सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल पे क्लिक कर दीजिए हमारा लेटेस्ट वीडियो पहले पाने के लिए। हाय दोस्तों, ये वीडियो में इंट्राडे ट्रेडिंग करके हम महीना का कितना इनकम जनरेट कर पाएंगे उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो या आप इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इंट्राडे ट्रेडिंग करने से पहले आप लोगों को मार्केट के बारे में अच्छे से समझना चाहिए और बेसिकली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। दोस्तों देखिए, एक बार आप टेक्निकल एनालिसिस सीख गए उसके बाद आपको और एक चीज़ पे ध्यान देना है, वो है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस के साथ अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे सक्सेस मिलता है वो जानने के लिए मैंने मेरा इंट्राडे पेड सर्विस ग्रुप का नवंबर मंथ का रिजल्ट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वो डाटा मैंने आप लोगों को दिखाता हूँ। दोस्तों इसका रिजल्ट आपको दिखाने से पहले मैंने आप लोगों को एक बात बता दूँ, ये इंट्राडे पेड सर्विस मैंने जो बनाया है, इसी इंट्राडे पेड सर्विस के थ्रू मैंने डेली 2 कॉल देता हूँ, उसका प्रॉपर एंट्री टारगेट और स्टॉप लॉस के साथ। मैंने हर रोज ऑलमोस्ट 9:45 से लेकर 10 बजे के अंदर 2 स्टॉक उसी ग्रुप पे शेयर कर रहा हूँ और हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड का रेशियो रहता है वो मिनिमम 1:2 का रहता है। दोस्तों मैंने यहाँ पे 50,000 का कैपिटल अजीम करके चलता हूँ। अगर आप लोगों के पास 50,000 का कैपिटल है और अगर आप ये इंट्राडे पेड सर्विस के थ्रू ट्रेड करते हो तो आपको महीना का कितना परसेंट रिटर्न मिल सकता है, दोस्तों जानने के लिए चलिए हम नवंबर मंथ का पूरा एक एक दिन का रिजल्ट देख के समझते हैं ये इंट्राडे पेड सर्विस का ट्रेडिंग कैसा था। देखिए, पहला दिन जो रिजल्ट था, मैंने 2 स्टॉक दिया था और ये 2 स्टॉक पे, एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ था और दूसरे स्टॉक पे टारगेट हुआ था। मैंने बेसिकली 2 स्टॉक देता हूँ तो हमारा जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है 1:2 का, और मैंने बताया है कि मैक्सिमम एक दिन पे 3% के आसपास आप रिस्क ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगर 50,000 का कैपिटल रहता है तो 3% का जो रिस्क आता है वो 1500 के आसपास आएगा। तो 1500 का जो रिस्क है हमको 2 स्टॉक पे डिवाइड करना है, तो पहला स्टॉक पे 750 और सेकेंड स्टॉक पे भी 750। तो देखिए, एक स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मतलब 750 लॉस हुआ और दूसरा स्टॉक पे टारगेट अचीव हुआ, मतलब 1500 के आसपास गेन हुआ, क्योंकि हमारा हर ट्रेड 1:2 रेशियो पे रहता है। तो नेट नेट हमको 750 के आसपास प्रॉफिट मिला। तो दोस्तों ये था 1 नवंबर का रिजल्ट। तो 1 नवंबर पे हमको 750 के आसपास प्रॉफिट हुआ। चलिए अभी 2 नवंबर के बारे में जानते हैं। देखिए, 2 नवंबर को मैंने 2 स्टॉक दिया था और ये 2 स्टॉक पे, एक स्टॉक पे एंट्री नहीं आया और दूसरा स्टॉक पे हमारा टारगेट अचीव हुआ। तो देखिए, नेट नेट हमको 1500 के आसपास प्रॉफिट हुआ। उसके बाद ये 5 नवंबर को मैंने 3 स्क्रिप्ट दिया था, क्योंकि मैंने पहले 2 स्क्रिप्ट जो शेयर किया ये दोनों स्क्रिप्ट पे एंट्री नहीं आया, तो मैंने 3rd स्क्रिप्ट दिया था और ये 3rd स्क्रिप्ट पे हम प्रॉफिट बुक किए थे, तो 1200 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। चलिए अभी 6 नवंबर के बारे में जानते हैं। देखिए, 6 नवंबर पे मैंने 2 स्टॉक दिया था और ये दोनों स्टॉक पे स्टॉप लॉस आया था, तो यहाँ पे देखिए 1500 के आसपास नुकसान हुआ था। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को एक एक करके हर दिन का दिखाता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कितना बार लॉस हुआ था और कितना बार प्रॉफिट हुआ था। यहाँ पे 9 नवंबर को मैंने 2 स्टॉक दिया था, ये दोनों स्टॉक पे एंट्री नहीं आया, उसके बाद मैंने और एक स्टॉक शेयर किया, तो ये 3rd स्क्रिप्ट पे टारगेट आने के बाद ये देखिए 1500 के आसपास प्रॉफिट हुआ, क्योंकि देखिए हमारा 750 का रिस्क रहता है तो 1:2 रेशियो पे यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, तो 1500 का प्रॉफिट हुआ है। तो दोस्तों उसका नेक्स्ट दिन 12 नवंबर को देखिए, मैंने जो 2 स्टॉक दिया था, ये पहला 2 स्टॉक पे एंट्री नहीं आया, उसके बाद भी मैंने और एक स्टॉक सिलेक्ट किया और उसी स्टॉक पे भी बाद में एंट्री नहीं आया। तो दोस्तों ये 12 नवंबर को हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है कि लॉस भी नहीं हुआ है। उसके बाद 13 नवंबर को देखिए, यहाँ पे 2 स्टॉक दिया था और ये दोनों स्टॉक पे, पहला स्टॉक पे स्टॉप लॉस हिट हुआ और सेकेंड स्टॉक पे कुछ एंट्री नहीं आया, उसके बाद मैंने प्रॉफिट करवाने के लिए और एक स्टॉक दिया और वो स्टॉक पे भी स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये 13 नवंबर को हमको 1500 के आसपास नुकसान हुआ है। देखिए, आप जो भी ट्रेड लोगे आपका रिस्क हमेशा फिक्स रहेगा। अगर आप रिस्क को मैनेज करके 1:2 रेशियो पे ट्रेड करेंगे तो देखिए दोस्तों, आप नेट नेट पॉजिटिव पे रहेंगे। तो चलिए अभी 14 नवंबर को कैसे परफॉर्म किया उसके बारे में जानते हैं। देखिए, 14 नवंबर को मैंने 2 स्टॉक दिया और ये दोनों स्टॉक में, एक में टारगेट आया और दूसरा में स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो यहाँ पे नेट नेट 750 का प्रॉफिट हुआ। उसके बाद 15 नवंबर को ये जो 2 स्टॉक दिया था, एक स्टॉक में एंट्री नहीं आया और दूसरा स्टॉक पे ये देखिए स्टॉप लॉस आ गया, तो यहाँ पे 750 के आसपास लॉस हुआ है।
तो इससे एक एक करके हम ट्रेड करते गए। और देखिए 16 नवंबर को ये दोनों स्टॉक पे सेम जैसे हमारा 15 नवंबर को हुआ था कि एक स्टॉक में एंट्री नहीं आया था और दूसरा स्टॉक में स्टॉप लॉस हिट हो गया था, ये देखिए सेम चीज़ हमारे साथ 16 नवंबर को भी हुआ। तो एक स्टॉक पे हमारा एंट्री नहीं आया और दूसरा स्टॉक पे स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो देखिए दोस्तों, अगर आप ऐसे एक या दो दिन होता है तो आप परेशान मत हुए, आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आगे बढ़ते जाइए। देखिए आपको सक्सेस मिलेगा क्योंकि आपका प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप 1:2 रेशियो पे ट्रेड कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, उसके बाद हम जब 19 नवंबर को ट्रेड लिए, यहाँ पे मैंने जो दो स्टॉक दिया था ये दोनों स्टॉक पे स्टॉप लॉस आ गया और यहाँ पे देखिए आपको एंट्री नहीं आया। अगर आप तीन स्टॉक में ट्रेड करने के लिए जाते हैं, आपका रिस्क फिक्स रहता है 1500 का, तो 500 500 500, वो जो 1500 था वो तीन स्टॉक में डिवाइड हो गया। तो ये तीनों स्टॉक पे देखिए, दो स्टॉक पे अगर आपका नुकसान आता है तो यहाँ पे देखिए 1000 के आसपास आपका नुकसान होगा। अगर आप उसके बाद 20 और 21 नवंबर को देखेंगे, देखिए 20 को दोनों स्टॉक पे एंट्री नहीं आया और ये जो 21 नवंबर को मैंने जो दिया था, एक में एंट्री नहीं आया और दूसरा में हम प्रॉफिट बुक किए, तो ये 1000 के आसपास उसी दिन प्रॉफिट बुक किए थे। उसके बाद 26 और 27 को ये देखिए, एक स्टॉक में एंट्री नहीं आया और दूसरा स्टॉक में टारगेट, सेम 27 को एक में एंट्री नहीं आया और दूसरा में टारगेट, देखिए यहाँ पे 1500 और यहाँ पे 1500, तो नेट नेट हमको 3000 का प्रॉफिट आया। उसके बाद 28 को अगर आप देखेंगे, ये देखिए 28 को यहाँ पे टारगेट आया और ये सेकेंड स्टॉक भी टारगेट आ गया। तो 28 को हमारा जो दोनों स्टॉक था वो दोनों स्टॉक पे टारगेट आया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी नेट नेट 3000 के आसपास प्रॉफिट आया। उसके बाद 29 नवंबर को अगर आप देखेंगे, एक पे स्टॉप लॉस आया था और दूसरा स्टॉक पे टारगेट अचीव हुआ था। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे एक स्टॉक पे जब स्टॉप लॉस आया 750 के आसपास लॉस हुआ और दूसरा स्टॉक पे जब टारगेट आया 1500 के आसपास गेन हुआ, तो नेट नेट हमको 750 का प्रॉफिट मिला। अगर आप 30 नवंबर को देखेंगे, ये दोनों स्टॉक पे एंट्री नहीं आया, मैंने पहले दो स्टॉक दिया था, ये दोनों स्टॉक पे एंट्री नहीं आया था, उसके बाद मैंने एनालिसिस करके और दो स्टॉक दिया, लेकिन ये जिस लेवल पे मैंने बाय के लिए बताया था वो लेवल को स्टॉक उसी दिन आया नहीं, तो ये 30 नवंबर को हमारा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ है कि लॉस नहीं हुआ है। ये मैंने जो भी डाटा आप लोगों को सारे दिखाया, मैंने एक एक करके पूरा नवंबर मंथ का जो डेट था और उसका जो रिजल्ट था ये सारे यहाँ पे लिखा है। तो देखिए, ये जो कलर मैंने मेंशन किया है ये सारे प्रॉफिट, और ये ब्लैक कलर का जो रिजल्ट लिखा है ये सारे है लॉस। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप काउंट करेंगे तो लगभग 18 ट्रेड मैंने दिया था और ये 18 ट्रेड के अंदर 9 ट्रेड पे हमारा प्रॉफिट हुआ और 2 ट्रेड पे एंट्री नहीं आया और 7 ट्रेड के आसपास नुकसान हुआ है। तो देखिए दोस्तों, लगभग अगर आप ये सारे डाटा को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद आपको 7950 के आसपास प्रॉफिट आएगा। तो देखिए, क्वांटिटी के हिसाब से ये 7950 आपको दिख रहा है, लेकिन अगर आप कैपिटल के हिसाब से इसको काउंट करेंगे तो ये 15.9% के आसपास आ रहा है। तो दोस्तों, महीना का 15-16% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो ये इंट्राडे पेड सर्विस के थ्रू हमारा जो टारगेट रहता है 15-25% के अंदर हम महीना का निकालने के लिए, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके चलेंगे तो देखिए दोस्तों, आपको मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट आएगा। अगर आप किसी भी दिन अगर लॉस भी आता है, वो आपका लॉस नेक्स्ट दिन वो भर जाएगा। तो दोस्तों, ये था एक रियल एग्जाम्पल, मैंने नवंबर मंथ को ये सारे ट्रेड दिया था, तो ये आप लोगों को भी कॉन्फिडेंस देगा कि आप इंट्राडे पे भी पैसा गेन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होकर इंट्राडे पे ट्रेड मत कीजिए। अगर आप प्रॉपर गोल सेट करके इंट्राडे पे ट्रेड करेंगे तो आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट पे रहेंगे। देखिए, हमको इंट्राडे पे अगर हम ट्रेड करने के लिए आते हैं, हमको हमेशा ऐसे सोचना है कि हमको महीना का कितना परसेंट का इनकम जनरेट करना है। अगर आप इनकम के हिसाब से सोच के इसको करेंगे तो देखिए आप मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट पे रहेंगे। इसीलिए दोस्तों, आप इंट्राडे ट्रेडिंग पे काम करने से पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आना चाहिए। उसके बाद अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करेंगे तो देखिए आप बहुत अच्छा खासा इनकम जनरेट कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आप इंट्राडे पेड सर्विस का ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने मेरा व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन सेक्शन पे शेयर किया है, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, सबको शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो को देख रहे हो तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैंने रोजाना आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।